सोइल को ड्रेसिंग मार सोइल को ड्रेसिंग मार र बिरुवा को न्यूट्रिशन को लागि त्यो बेलामा हामीले दिने हो ठीक छ अब के छ क्वेशन लिस्ट है यो बेलामा तपाईलाई के जानकारी चाहिन्छ किसान कति डीएपी युज गरिरहेछ ठीक छ यो तपाईले किसानसँग सोध्ने किनकि ठाउँ ठाउँमा डीएपी को मात्रा कहिले बढी हुन्छ कहिले कम हुन्छ ठीक छ त हामीले के गर्ने हो किसानसँग सोध्ने सर तपाई यता कति डीएपी युज गरिरहनु हुन्छ किसानले भन्छ 5 किलो कट्ठा नवलपरासीतिर उता के भन्छ कलकत्तातिर नेपालगञ्जतिर कैलालीतिर किसानहरूले 5 किलो 6 किलो डीएपी प्रति कट्ठामा युज गर्छ 1-2 किलो युरिया युज गर्छ है त्यो हिसाबमा किसानसँग सोध्ने अनि त्यही हिसाबमा हामी त्यही मल कम नगराउँ किनकि धात्री इज नॉट अ सप्लिमेन्ट अफ फर्टिलाइजर धात्री केही फर्टिलाइजर को सप्लिमेन्ट छैन यो के छ हाम्रो बिरुवामा केही रोगहरू नलाग्ने तो बिरुवाको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाइदिएपछि उले बिरुवामा केही रोग नलाग्ने दिन त्यस्तो प्रभावकारी हो हामीले के गर्ने हो किसानलाई के बुझाउने हो सर तपाई सोइल एप्लिकेशनमा डीएपी युज गर्नुस् यूरिया युज गर्नु हाम्रो धात्री युज गर्नु हाम्रो ये बिरुवा युज गर्नु अनि एकै ठाउँमा सपोज वो माइक्रोन्युट्रिएन्ट हालिरहेछ के हालछ माइक्रोन्युट्रिएन्ट हालिरहेछ त हामीले धनराशि युज गराउने हो तर एकचोटि उसलाई सोध्ने के सोध्ने सर तपाईँ माइक्रोन्युट्रिएन्टमा के प्रयोग गर्ने हुन्छ ठिक छ उसले भन्छ म मात्रै जिङ्क युज गर्छु है तपाईँ बुझाउन सक्नुहुन्छ कि सर हाम्रो धनराजमा 6 काइन्ड अफ माइक्रोन्युट्रिएन्ट छ वो भी चिलेटेड फर्ममा छ आयरन बोरन कपर म्याग्नेज मोलिब्डेनम थानी जिंक यो सबै मिलाएर हाम्रो 6 पोषक तत्व छ तपाई यो हालौ तर सर यसमा के छ हाम्रो चिलेटेड फर्ममा जिंक भएको कारणले जिंकको पर्सेन्टेज 5-7% हुन्छ ठीक छ तपाईको खेतमा पिछल्लो सालमा जिंक हाल्नु भएछ त फेरि हाल्नै पर्दैन है बरु नहाल्नु भएछ त यसको सँगमा तपाई 21% जिंक हाल्नु के हाल्ने 21% जिंक 1-2 केजी प्रति कट्ठा अनि त्यो भी हाल्नु त्यसपछि हेर्नुस् किनकि गन्नामा के हुन्छ यो 1 सालको फसल छ अनि 1 सालमा तपाईँ कति पटक मल दिने मात्र 3 पटक अब गन्नाको साइज सपोज 3-4 फिटसम्म भइसक्यो केही मल दिने मिल्दैन केही विषादी हाल्ने मिल्दैन है त हामीले के सिकाउने हो किसानलाई सोइल एप्लिकेसनमा के दिने डीएपी यूरिया यो त उसको भइसक्यो हामीलाई यसमा केही सिकाउने होइन तर हामी गएछौँ त भन्नौ है के भने डीएपी युरिया तपाईँ यहाँको रासायनिक मल छ त्यो त हाल्ने ठिक छ त्यो ठाउँमा अब हाम्रो धात्री हाल्ने धेरै किसानहरूलाई नेपालतिर धेरै किसानहरूलाई एकदम राम्रो रिजल्ट छ धात्रीको किसानहरू जो गन्नाको फिल्डमा काम गर्दैछन् उनीहरूको धात्रीको रिजल्ट राम्रो छ महाकाली चिनी मिलमा गएको थियो त्यहाँको म्यानेजरसँग म डिएसएम सर र तपाईँको यो हामी गएर त्यहाँ भेट गरेर आएछौँ उनीहरू पनि एकदम राम्रो रिजल्ट छ मैले अलरेडी ब्यानर डिजाइन गरेको छु म मिटिङ पछि तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो ब्यानर छ तपाईँहरूको ओपिनियन कस्तो छ ठिक छ अब यस्तो हामीले सोइल एप्लिकेसनमा दिने डिएपी युरिया धात्री विरोची उसले माइक्रोन्युट्रिएन्ट हालिरहेछ त हामीलाई धनराई युज गराउने धनराई जाने यो कहाँ थियो हामीले सोइलमा ठिक छ यो दुई ठाउँमा उसले पहिलेदेखि हालिरहेछ त्यही ठाउँमा हामीले उसलाई सिकाउँ बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो ठिक छ अब तपाईँ सोध्नु हाम्रो के भन्छ गन्ना सम्बन्धी केही क्वेसन छ त सोध्नु जब जब ये काट लिया गन्ना क्या हो गया सुनो गन्ना क्या हो गया कट गया कटने के बाद जिस दिन वो जोतेगा ठीक है तो किसान से पूछना है आप जोतते के कितने दिन के बाद मल देते हैं कि सेम डे डाल देते हैं बोलेगा मैं सेम डे डालता हूँ तो सेम डे डालेगा उसमें तो धात्री काम नहीं करेगा क्योंकि ये पीका आने पर ही जोताई करेगा वो तुम क्या सोच रहे कि मैं सीधे जोतने के लिए थोड़ा बोल दिया ये पीका आने पर ही वो जोतेगा मेरा बात नहीं समझे वो कब जोताई करता है जब उसमें से पीका पनपना शुरू करता है तब जोतेगा वो पानी कब डालेगा पानी में डालेगा पानी बिना जोत का डालेगा बिना जोत में डालता है समझ में आया जैसे काट लिया ना काटने के बाद में एक 10 दिन के बाद देखेगा उसमें पीका शुरू हो गया ठीक है तो उसमें पानी वो छोड़ देगा क्योंकि खेत में हाल है कि नहीं है वो महसूस करेगा पानी छोड़ देगा
जब पानी सूख जाएगा तो ये होते होते 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन के बाद में पावर टिलर लेकर के उसको जुताई कर देंगे। समझ में आ गया? अब जुताई करने के बाद अब वो मर डाले। जैसा है बताइए इधर का क्या है, जो मोरन होता है ना, पहले जब गन्ना रखता है तो पहले गन्ना रखता है, गन्ना रखेगा, गन्ना रखने के बाद तो रोपाई करने के लिए आप बोल रहे हैं ना? नहीं मैं अभी रोपाई का बात बता रहा हूँ, फूटी का बात बता रहा हूँ। अच्छा पहले आप रोपाई का बात बता रहे हैं। तो रोपाई की क्या होता है, वो भी दो तरीके से लगाता है, पहले लाइन बाई लाइन लगाता है और कोई भी डैम में ऐसे ऐसे करके लगाता है। तो रोपाई का प्रोसेस है, एक जगह क्या करेगा आपको हम बताते हैं। देखिए रोपाई किस तरह से होता है, ऐसे भी रोपेगा, समझ में आया? ये चारों क्या है, ईंख का गुल्ली है, ठीक है, मतलब वो दो दो फीट का गुल्ली काटेगा और इस तरह से रोपेगा, और इसको रोप करके फिर एक दो फीट के बाद ऐसे ऐसे रखेगा। ये अभी नया तरीका आया है, ठीक है, ये वेराइटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सभी वेराइटियों में ऐसा नहीं है, कुछ जगह क्या होता है ऐसे ऐसे गिराते चला जाएगा। ये नया टेक्नोलॉजी आपको मिल वाला सिखा रहा है, ये सही टेक्नोलॉजी भी है। इसमें क्या होता है, एक ही जगह झूर बन के बनेगा और उसमें क्या होगा, गन्ना गिरेगा नहीं, हवा वही बता रहे। उसमें क्या होता है, गन्ने को क्या करेगा, ऊपर में जाकर के बांध देगा, बांध देगा इस वाला में। लेकिन इसमें क्या होता है, हेलो, इसमें क्या होता है, बांधना मुश्किल होता है, इसमें बांधना मुश्किल होता है। तो इसमें किसान क्या करता है, लड़े नहीं गिरे नहीं, एक साथ 10-10 को पकड़ करके उस मोचा को बनवाता है, मतलब उसका पत्ता से दूसरे को बनवाता है। ये कहीं कहीं होता है लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में जो वो बता रहा है वो यही है, एक साथ बांधने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस हो गया ना लाइन बाय लाइन, हाँ, इस प्रोसेस में क्या है कि जब अब इस प्रोसेस में अगर हमारा किसान है, एक मिनट रुको, मैं इस पर नहीं बताया हूँ, अगर इस प्रोसेस में हमारा किसान है तो आप इसमें खनिजा डालो, खनिजा जो आपका 40 kg का पाउडर फॉर्म का है, क्रोम मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रोम नहीं, ये जो डाल रहा हूँ इसी डैंग में डालना है, ठीक है। इसकी जुताई जब खेत तैयार हो रही है और वो डैंग बना रहा है तो डैंग में ही मल गिराते हुए चले जाना है, ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे करके मल गिराते जाएगा और उसी में डाल करके फिर से उसकी बुआई करनी है, रोपाई करनी है, जैसा समय धनराज को इसमें हाथ दिए पी डीए पी धनराज इसमें हाले पी गलाउने लग गलने लग माइक्रो न्यूट्रिएंट को कई फॉस्फेट की खाद संग मिलाउनु है उसको पावर कम हो अब केही तपाईलाई गन्ना सँग केही डाउट छ त मलाई सोध्नु। किसानको ऊपर डिपेन्ड गर्छ, मिनिमम 2.5 से 3 फिट।